हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर वुमेन सुपरवाइज़र और जो लैब असिस्टेंट और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो उनके लिए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉट द्वारा इस प्रदेश के लिए क्या नाम प्रस्तुत किया गया था? तो कर्नल जेम्स टॉट ने सबसे पहले नाम दिया था राजस्थान इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रसिद्ध नाम है, तो इस पुस्तक का नाम जो है ये है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक का दूसरा नाम है ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये बुक जो है लिखी है कर्नल जेम्स टॉट ने। रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से राजपूताना का नाम राजस्थान कब किया गया था? तो राजस्थान नाम जो है वो रखा गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? तो स्वतंत्रता के समय जो है राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, और अजमेर मेरवाड़ा एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके एकमात्र जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हरिभाऊ उपाध्याय जो है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधानसभा में एक सदस्य संख्या किस वर्ष बढ़ाकर 200 की गई थी? तो 200 जो है 1977 में की गई थी, इससे पहले 160 थी, फिर 200 जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स का जो नंबर है वो 200 कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान वस्तु राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में निर्वाचित घोषित किए गए। राजस्थान राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में निर्वाचित घोषित किए गए थे, तो वो हैं हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है, तो राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद है वो है डॉक्टर गिरिजा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य है, तो सर्वाधिक बार जो है महिला लोकसभा सदस्य है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट, राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बार जो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ज़्यादा बार क्या सबसे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हुए हैं वो है बलराम जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मुख्य पीठ जो है जोधपुर में है और इसकी एक बेंच जो है वो जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम आपातकाल राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो सबसे पहले आपातकाल लगा था 1967 में, यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 1967 में, और अब तक 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। राजस्थान की विधानसभा लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं, तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 200 और लोकसभा की हैं 25 और राज्यसभा की हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है? तो अहिछत्रपुर जो है उसका वर्तमान में नाम है नागौर। नागौर को पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं? तो ऐसा जो है जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ लेके जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता था, तो बीकानेर का जो क्षेत्र है राजस्थान का उसे कहा जाता था जांगल देश, जांगला देश जो है वो कहा जाता था बीकानेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो प्रथम चुनाव जो है वो 1952 में हुए थे, सब जगह हुए थे 1952 में चुनाव। किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक समय महिलाओं के पास रहे हैं, तो किस राज्य में, तो ये राजस्थान में रहे हैं जो तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं। नेक्स्ट है, 14वीं लोकसभा में निर्वाचित न्यूनतम आयु के सांसद हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो 14 जो लोकसभा है उसमें सचिन पायलट जो है वो न्यूनतम आयु वाले इनमें से जो है सांसद है, और उनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो दौसा है। नेक्स्ट है, कोटा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो राष्ट्रपति शासन जो है कोटा में किया गया था 13 मार्च 1967 को। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, तो प्रथम जिला प्रमुख जो थी वो थी श्रीमती नगेंद्र बाला। 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद हैं, तो इसमें जो महिला सांसद हैं वो हैं श्रीमती किरण माहेश्वरी और सुशीला बांगड़ू जो हैं, दोनों हैं लोकसभा से राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं राजस्थान की वो हैं 10। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली पहली महिला सांसद है, तो पहली महिला सांसद है उषा मीणा, श्रीमती उषा मीणा जो है पहली अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद है राजस्थान से। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य हैं, तो ये है सुशीला बांगड़ू, श्रीमती सुशीला बंगारू जो है वो है प्रथम महिला लोकसभा सदस्य अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी, तो प्रथम महिला सांसद थी श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राठ क्षेत्र किस जिले में है, तो राठ क्षेत्र जो है वो है अलवर में। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है जोधपुर में स्थित है। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं, तो सर्वाधिक जो बार निर्वाचित हुए वो हैं राम निवास मिर्धा। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमेलित है, यहाँ पे नगर दे रखा है और यहाँ पे जो है उसका प्राचीन नाम दे रखा है, तो ओशिया को जो है उपकेशपट्टन कहा जाता था, करौली गोपालपाल, जयपुर को जयनगर, जैसलमेर को जो है थली नहीं कहा जाता था, थली जैसलमेर का पुराना नाम नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनी गई थी, तो महारानी गायत्री देवी जो है वो उनकी स्वतंत्र पार्टी थी, उससे वो चुनी गई थी लोकसभा के लिए। प्राचीन ताम्रवती नगरी की वर्तमान में इसे कहा जाता है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो इसे वर्तमान में जो है आहड़ कहा जाता है, जो आहड़ सभ्यता है। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या जो है वो है 30, दैट इज़ 15% जो है टोटल जो सीट्स रहती हैं उसका 15% रहेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, संविधान में कहा गया है, तो हमारे यहाँ जो है 200 है, तो इसका जो 15% है वो 30 हो जाएगा, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
निम्न में से असुमेलित है, इसमें से असुमेलित हमें बताना है, राज्य पशु चिंगारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, ये सारे सही हैं। राज्य पक्षी मोर नहीं है हमारा, ये राष्ट्र पक्षी है। हमारा जो है राज्य पक्षी वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण जो है राज्य पक्षी है हमारा। राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल जो है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल और हॉकी हमारा नेशनल गेम है, बास्केटबॉल जो है स्टेट गेम है। राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, तो राजस्थान के जो निर्माता हैं वो माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। स्वतंत्रता पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो ये की गई थी हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित की गई थी 7 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट है राजस्थान गठन के बाद एक समय ऐसा आया जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक ICS अधिकारी को सरकार का जो है मुखिया बनाया गया, वह ICS अधिकारी थे। तो ये जो है बनाया गया था जो वेंकटाचारी हैं, श्री CS वेंकटाचारी, इनको राज्य का प्रमुख बनाया गया था, ये ICS जो है ऑफिसर थे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1952 में जो है चुनाव हुए थे, और उसके बाद जो है 3 मार्च 1952 को प्रथम जो है निर्वाचित सरकार का गठन हुआ था। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो थे श्री टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल जो हैं वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हमारे। सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से प्रसिद्ध शहर है, तो ये है बूंदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो रणकपुर हजार खंभों का शहर, यहाँ पर रणकपुर जो जैन टेंपल है उसमें उसकी वजह से हजार खंभों का शहर कहा जाता है। उदयपुर पूर्व का वेलेस, ये भी सही है। डीग जल महलों की नगरी, ये भी सही है। जोधपुर स्वर्ण नगरी नहीं है, जोधपुर जो है वो ब्लू सिटी है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो पीले पत्थरों का शहर है जैसलमेर। राजस्थान का यादव वंश का शासन राजस्थान के किस भूभाग पर था, तो ये था करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, उपयुक्त सभी पर। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो चौहानों ने जो है वो अजमेर, रणथंबोर, कोटा बूंदी, सिरोही, जालौर और शिवाना, इन सब पर जो है उन्होंने शासन किया था चौहानों ने। अलग अलग शाखाएं थी इनकी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे, तो सर्वाधिक अवधि तक जो है श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो कब बनी थी, जून 1977 में। राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी, तो राज्य की प्रथम महिला मंत्री जो है वो है श्रीमती कमला बेनीवाल। राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, विधानसभा के अध्यक्ष जो है सबसे पहले चुने गए थे नरोत्तम लाल जोशी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी, तो प्रथम राज्यपाल जो थी वो थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल।
राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो ये थी श्रीमती सुमित्रा सिंह, जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम जो है महिला स्पीकर रही हैं। ये कौन सा युग्म असंगत है? क्षेत्र और उनके पुराने नाम याद रखे, हनुमानगढ़, बटनेर, धौलपुर, श्रीपत। तो धौलपुर जो है उसको श्रीपत नहीं कहा जाता था, यही असंगत है यहाँ पे। धौलपुर को पहले धावलपुरी के नाम से जो है जाना जाता था, और विराट ये भी बिल्कुल सही है, जोधपुर मरुभूमि ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मई 1999 में। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने इसको नाम दिया था राजस्थानी आदित्य। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टॉट द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ से क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? तो उन्होंने जो है सबसे पहले नाम दिया था इनको रायथान, राजस्थान को। राजस्थान के इस प्रदेश के लिए ग्रंथ अभिलेख में उल्लेखनीय है। तो इसके लिए जो हमारा बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने जो है इसको नाम दिया था राजपुताना। निम्नलिखित में से परिसीमन के पश्चात नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उसके बाद जो है गठित हुआ था एक तो टोंक और राजसमंद, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण। तो ये तीनों जो है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान गठन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म असत्य है? गठन और यहाँ पे जो है चरण की तिथि, गठन का चरण और तिथि हमें दे रखा है, इनमें से हमें गलत बताना है। पहला चरण जो है वो पूरा हुआ था 18 मार्च 1948 को, ये बिल्कुल सही है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा चरण जो है वो 25 मार्च 1949, ये गलत दे रखा है हमको। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, तभी हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने की जो बुक है उसमें राजस्थान का नाम जो है इन्होंने राजस्थान लिखा है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो हरियाणा से एक तो हनुमानगढ़ लगता है, हनुमानगढ़ के बाद यहाँ जो है चूरू सीकर भी जो है यहाँ लगते हैं, पंजाब से जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे गंगानगर जो है वो हो जाएगा कि जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर माल है, तो ऊपर माल जो है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का जो पठारी भूमि है उसको कहते हैं ऊपर माल का पठार। तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़े के बीच में जो पठारी भूमि है उसे ऊपर माल कहा जाता है, जो कि बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? तो रण जो है वो जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार है, राजस्थान का जो राज्य का आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार, कुछ जो है इस तरह का है राजस्थान। तो ये जो है विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार इसका आकार है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियां हैं, तो अरावली श्रेणियों की जो दिशा है वो क्या है? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है राजस्थान में, ये अरावली श्रेणियों की दिशा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा के सारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? तो सर्वाधिक जो है वो जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो है यहाँ से सारे जो जिले हैं वो लगते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो साउथ ईस्टर्न प्लेटू है, उसका सामान्य ढाल जो है वो किस तरफ है? तो है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिलों का सही युग्म क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जो जिला है वो है जयपुर, और सबसे छोटा जो है वो है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है हमको, एरिया वाइज नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि सीमाओं से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है? तो वो है अजमेर, इसमें जो दे रखा है अजमेर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान में इसका विस्तार है? तो अरावली जो पर्वतमाला है जो सिरोही से लेके यहाँ झुंझुनू तक जाती है, और इसकी जो टोटल लंबाई जो यहाँ ये राय जो राय सीमा जो दिल्ली तक ये जो जाती है, तो ये टोटल जो है 692 है। राजस्थान में जो है ये है 550 किलोमीटर फैली हुई है, राजस्थान का जो उसका पार्ट है। नेक्स्ट है, करौली एवं धौलपुर जिलों में चंबल एवं बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग है, तो उस भूभाग को हम कहते हैं विंध्या कगार भूमि। निम्न में से राज्य का वह स्थान जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, तो लघु माउंट जो है वो कहा जाता है पीपलूद बाड़मेर। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, तो जल विभाजक रेखा जो है वो अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसके एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एक तरफ जो है बहुत कम बारिश होती है, जो पश्चिमी भाग है वहाँ कम बारिश होती है। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक तो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ जो है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर जो है वो छपा नहीं है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, और दो जो है जिले वहाँ से गुजरती है, लेकिन डूंगरपुर जो है थोड़ा सा ही उसे टच होके ही जाती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो सर्वाधिक निकट जो है वो है गंगानगर। शहर पूछा है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान वस्तुनी राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है उसका राज्य में विस्तार है, तो वो रेड क्लिफ रेखा जो हमारी जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हमारा जो, तो उसकी जो है वो है हिंदूमल कोट, गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर का जो बखासर है वहाँ तक जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो न्यूनतम है बाड़मेर की।
निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से जो है सर्वाधिक निकट है वो है लाहौर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है? तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और सबसे निकट जो स्थित है वो है जैकोबाबाद पाकिस्तान का। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से, तो वो अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो टोटल हैं 8। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? तो जो सर्वाधिक निकट है वो है गुजरात का जो कांडला जो पोर्ट है, कांडला बंदरगाह, वो सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है राजस्थान के। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ये 33C जो था, 33 सागर का अवशेष माने जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ जो है 40% पॉपुलेशन जो है वो रहती है, और 61% जो है टोटल एरिया है, और 40% यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो सर्वाधिक जो है वो मैदानी क्षेत्र है, उसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतरी तक जाती है? तो ये जो है शुरू होती है सिरोही से शुरू होती है ये। सिरोही से जो है ये शुरू होती है राजस्थान के। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अदर प्रवाह का क्षेत्र है, तो अदर प्रवाह का क्षेत्र है दक्षिण दक्षिण पश्चिमी। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो प्राचीनतम पर्वत जो है वो है अरावली, ओल्डेस्ट माउंटेन है ये। राजस्थान क्वेश्चन गलत छपा हुआ था। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है, तो सर्वाधिक जो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई है वो उसका जो दक्षिणी भाग है जो सिरोही से होता है जहाँ पे गुरु शिखर है, तो वहाँ से जो है सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है दक्षिण में। पश्चिमी क्षेत्र में अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो ये नाग पहाड़ जो है वो अजमेर में है, अजमेर के पश्चिम में जहाँ से लूणी नदी निकलती है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? जो जो टोटल वेस्ट लैंड है इंडिया की, उसका टोटल राजस्थान में जो पाया जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है इनमें से कौन सा है? देखो, जैसलमेर है, बीकानेर है, और दक्षिणी गंगानगर भी है, सिरोही नहीं है शुष्क प्रदेश में सम्मिलित। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य में कितने, राज्य के कितने जिलों में है? तो ये है टोटल 16 में है। दक्कन का लावा पठार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये जो है वो है प्रायद्वीपी पठारी भाग का हिस्सा है ये। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो इसमें से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है राजस्थान से होकर, और उसे ही जो है हम 23½ जो है उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगी, सेकेंड और थर्ड दोनों सही हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं? तो गोंडवाना लैंड जो है वो पूर्वी मैदानी भाग जो है उसका हिस्सा है। राजस्थान
राजस्थान का निम्न में से कौन सा भूभाग अंतर प्रवाह प्रणाली क्षेत्र नहीं है? तो अंतर प्रवाह प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र जो है वो शेखावाटी क्षेत्र नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।